किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे किसान चैनल। किसान साथियों, आज हम हमारे दूसरे मेहमान हैं जो हम सिट्रस रिसर्च सेंटर पर आए हुए हैं नागपुर में, डॉक्टर आईपी सिंह। डॉक्टर आईपी सिंह प्रधान वैज्ञानिक हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सिट्रस इम्प्रूवमेंट सेंटर के। आइए अब हम इनसे भी और विस्तृत जानकारी लेते हैं इसके सिट्रस के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आईपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय नीरवली फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में कार्यरत हूँ और पिछले करीब 34 साल से नीरवली फलों पर ही काम कर रहा हूँ और मेरा मेन फील्ड जो है सिट्रस इम्प्रूवमेंट, इसमें की डिजीज की नर्सरी भी है, मतलब सिलेक्शन है, नई वेराइटी डेवलप करना है। अच्छा सर, जो आपकी ये कौन सी वैरायटी है जो सर एनआरआई ने सीसीआरआई ने डेवलप की है, जो दो वैरायटी है? एक हमारी जो है एनआरसी सिट्रस 7 और एनआरसीसी नींबू 8, ये दो वैरायटी हमारे संस्था ने डेवलप की है। एनआरसीसी नींबू 7 की जो खासियत है, इसके फल बड़े होते हैं और अट्रैक्टिव जूस परसेंटेज मोर देन 50% होता है। एनआरसीसी नींबू 8 की खासियत है कि इसके फल गुच्छेदार होते हैं, गुच्छे में होने का इसकी उपज अधिक होती पर हेक्टेयर। और इन दोनों जो नई किस्में हैं और इनकी यील्ड पोटेंशियल करीब 50 टन से ऊपर पर हेक्टेयर है, जो कि जितनी भी वैरायटी डेवलप की गई है उससे काफ़ी अधिक है। एक मैं अभी नर्सरी घूम के आया हूँ आपके यहाँ पर, तो उनसे बात भी की मैंने, नर्सरी स्टाफ से देखा भी, तो एनआरसीसी 7 रेट लगभग नहीं के बराबर पौधे हैं आप लोगों के पास में, ऐसा क्यों है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये दोनों वेराइटियों में कम से कम 35 से 40,000 पौधे इस साल तैयार हो जाएंगे और हम लोगों का जो टारगेट है कि हर साल इसका 50,000 पौधे तैयार करें। इसके साथ साथ हम लोग जो मौसमी की पौधे तैयार करते हैं, जो कि ये बेल्ट मेन जो है विदर्भ का, ये नागपुरी संतरा का है और यहाँ की डिमांड मैक्सिमम नागपुरी संतरा होती है, तो उसके साथ हमारा टारगेट ये है। तो जो हमारे पास अवेलेबल डिमांड आती है और फार्मरों के और जो वैरायटीज के हमारे पास चाहिए उसी अनुसार हम पौधे तैयार करते हैं। अच्छा सर, क्या कोई कुछ लोग हमारी और जो है ना जैसे हाई डेंसिटी की बात करते हैं, क्या कोई ऐसी किस्म है इनमें से जो बोनी किस्म की हो, बहुत ही हाई डेंसिटी पर 2x1 मीटर पर लगा ली जाए या 2x2 मीटर पर लगा ली जाए और जिसका के प्रोडक्शन भी अच्छा हो? नहीं, बहुत बड़ा पेड़ इस एरिया पर अभी काम शुरू हुआ लेकिन बहुत ही संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला है। हमारे पूरे देश में अभी टोटल 7-8 वेराइटी जो डेवलप की गई है, यूनिवर्सिटीज से हो, ICR इंस्टीट्यूट से हो, सभी वेराइटीज सेमी ड्वार्फ टाइप है या बिगरस टाइप है। ड्वार्फ अभी ऐसी कोई आइडेंटिफाइड नहीं हुई है, अभी इस पर काम हो रहा है, उसका फ्यूचर में आपको मिलेंगे। सर, एक और मेरे को देखने को मिला ट्रेंड जो है ना, अभी हमारी और पिछले 2 वर्ष से नॉर्दर्न इंडिया की बात करता हूँ मैं, पंजाब और ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें भी काफ़ी प्रचलन बढ़ा है नींबू के पौधे लगाने का, जबकि पहले ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता था या गुजरात में करते थे, शुष्क क्षेत्र में होता था। तो क्या ये वहाँ पे सही डिसीजन है किसानों का होने के लिए के लगाना चाहिए? नहीं, उस जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें भी इसकी खेती हो सकती है। पहले ये था कि अगर आप देखेंगे पूरे संसार में सबसे अधिक नींबू की खेती, जो काली नींबू खेती हमारा देश करता है, 2.4 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है साल, ये संसार में सबसे अधिक हमारा देश का है और पूरा भारत का देखा जाए तो हमारा संसार में तीसरा स्थान है। इसमें चाइना सबसे एक नंबर, ब्राजील दूसरा नंबर, इंडिया तीसरे नंबर पूरा नींबू वाली फल में। लेकिन जब नींबू की बात करते हैं तो नींबू में हम फर्स्ट हैं, 2.4 मिलियन टन हर साल प्रोडक्शन होता है और हमारे देश के बाद दूसरा नंबर आता है आपको मेक्सिको का जो नींबू का। और अभी इसमें क्या है कि जो किसानों का झुकाव इसलिए आ रहा है कि इसमें टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम पड़ता है, इसमें और जो इसका रख रखाव बीमारियाँ और इस संतरे मौसम्बी के कंपेरिजन में कम पड़ती हैं, इसलिए किसानों का झुकाव बढ़ा है। और इसके जो फल पर्टिकुलरली जो गर्मियों में आते हैं
उसकी अभी लोग डिमांड, एक अवेयरनेस, लोग हेल्थ के प्रति काफी जागृत हो गए हैं। हर आदमी नींबू का रस जो है यूज जो गर्मियों के दिनों पीना पसंद करता है, एक हेल्दी साइन है, कभी किसान के लिए हर वर्ग का पीना शुरू कर दिया है। इसलिए हमारे तो नॉर्दर्न पार्ट में इसकी खेती शुरू हो रही है। पहले जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी उधर एरिया में खेती करने में, जो कैंकर नाम का एक जो आता है बीमारी, जो पत्तियों के ऊपर काला धब्बा होता है या पौध के ऊपर धब्बा होता है, इसको कंट्रोल की खोज वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। इसलिए अभी ये दूसरे क्षेत्र में भी सक्सेसफुली हो रहा है और वहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, इसलिए किसान वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एक बात और है, जैसे मैंने देखा है कि नींबू के यहाँ पर बीज से ही पौधे उगाते हैं, जबकि जो सिट्रस की दूसरी फैमिली है जैसा माल्टा है, संतरा है, ये आप बड ग्राफ्टिंग मैंने देखी है सक्सेसफुली चलती है, तो जबकि नींबू में भी वो हो सकती है, तो फिर बीज से ही क्यों बनाते हैं इसके पौधे? देखिए, एक तो नींबू में ग्राफ्टिंग में परेशानी से आती है, इसमें कांटे होते हैं और बड निकालना इसमें डिफिकल्ट होता है, जो बड कांटे के बीच में होती है और में जो है पत्ती के बीच में होता है। दूसरा है कि जो संतरा है उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है, बीज से लगाएंगे तो उसका फल हमें 8 या 9 साल के बाद मिलता है, जबकि बड की हमें पौधा 4 साल देता है। नींबू में ऐसा नहीं है, नींबू में ग्राफ्टिंग करके लगाओ, बटिंग करके लगाओ या बीज से लगाओ, आपको 3रे साल फूल आना शुरू हो जाएगा, 4थे साल आपको फल मिलेंगे। इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की तरफ, बटिंग की तरफ नहीं जाते, और बीज से इसमें चूंकि इसमें पॉलीमर यानी न्यूक्लियस सीडिंग होता है, इसलिए इसमें 2-2 टाइम होता है, तो जिस मदर प्लांट्स लेते वैसे ही पौधा बनेगा, ये प्लस पॉइंट है। इसलिए हम लोग कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जो बडिंग ग्राफ्टिंग तरफ नहीं जाते, क्योंकि उससे कास्ट भी बढ़ती है और उससे बहुत फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी वैरायटी है मतलब कि जैसे जो हमें 3 साल से पहले फूल, मतलब 2 साल के बाद ही फल देना शुरू करते हैं, जैसे ये बीज को 1 साल का हमें पौधा मिलेगा यहाँ से, तो उसके 1 साल के बाद ही वो? अभी देखिए, जनरली जो इसमें फ्लावरिंग तो सेकंड ईयर ही स्टार्ट हो जाती है ना, इसमें अगर आपका मैनेजमेंट अगर बेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक है तो आपको 3रे साल भी फल मिल सकता है। अभी जैसे हमारा रीजनल स्टेशनरी आसाम में हम लोगों ने खोला है, यही जो हमारी नई वैरायटी हम लोगों ने आसाम में पहली बार लगाया है और हमें 2रे साल ही फ्लावरिंग शुरू हो गई, 3रे साल हमें फल मिल गया। तो अगर मैनेजमेंट इसकी प्लान की ग्रोथ अच्छी आई, मैनेजमेंट अच्छा रहा, इसमें 3रे साल भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो सकती है। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर आईपी सिंह, और मैंने जो आप लोगों को बताया था कि इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, आज उस बात को देखो इन्होंने भी कहा कि बहुत मुश्किल है चूंकि कांटे होते हैं। आपको याद होगा मेरी एक वीडियो थी, मैंने इसमें बताया था, और ये भी बताया था कि आप हमेशा बीजू पौधे लगाएं, ज्यादा लालच मत करें, पौधा अच्छा लें, एक नर्सरी से अप्रूव लें, और अगर आप किसी दूसरी नर्सरी से ले रहे हैं तो इस बात का प्रमाण लें कि वो पौधा एक अप्रूव्ड नर्सरी यानी कि जो प्रमाणित नर्सरी है उससे ही आया होगा और बीजू पौधा होगा और उसकी किस्म अवश्य पूछें, बिना उसके न रहे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं डॉक्टर आईपी सिंह का, जिन्होंने आप लोगों को इतना ज्ञान दिया। नमस्कार।